Thank you.
Thank you.
तो मुंबई इंडियन को यहाँ से 18 गेंदों पे 53 रनों की ज़रूरत है और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला गया है। अब रिक्वायर्ड रन रेट 17.67 का हो गया है। अब देखना होगा कि ये किस स्ट्रेटजी के साथ यहाँ से बल्लेबाजी करते हैं। मतीशा पतिरना 2 ओवर में 11 रन देके 3 विकेट लिए हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद और इस गेंद पे 2 रन आ गए। स्कोर हो गया 156 5 विकेट के नुकसान पे 17.1 ओवर की समाप्ति पे। रोहित शर्मा 85 रन बना के खेल रहे हैं 54 गेंदों पे। और रोहित शर्मा ही इकलौते बल्लेबाज हैं जो कि एक छोर को जमाए रखा है, दूसरे छोर से हमेशा विकेट गिरता रहा है। यहाँ पर रोहित शर्मा अपने शतक से 15 रन की दूरी पे है और 51 रनों की ज़रूरत है। 17 गेंदें बची हुई, 18 रन पर ओवर चाहिए। मतीशा पतिरना राइट आर्म ओवर द विकेट राइट हैंड बैट्समैन रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा तैयार, क्या रोहित शर्मा इसके अंदर बड़े हिट के लिए जाएंगे? नहीं, सिंगल लिया। स्कोर किया 157 5 विकेट के नुकसान पे 17.2 ओवर की समाप्ति। 50 रनों की आवश्यकता है, 16 गेंदें बची हुई है। वो जो धोनी का अंतिम 4 गेंदों पे जो 20 रन था वो बहुत बड़ा फैक्टर बन गया चेन्नई सुपर किंग्स के जीत में। यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स से जीत का जो चांसेस है 94% है, MI का सिर्फ 6% है। तो मुंबई इंडियन का चांस वहीं पे बना जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने लगातार 4 गेंदों पे 20 रन बना दिए, 3 बड़े विकेट। और यहाँ पे मतीशा पतिरना की गेंद बोल्ड आउट हो गया रेमोरियो शेफर्ड ने किए 1 रन। मतीशा पतिरना को मिल गया 4th विकेट। अब मुंबई इंडियन यहाँ पे 157 पे 6 विकेट। चेन्नई सुपर किंग्स ने, जब आप 200 रन बना लेते हो चाहे विकेट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आइए मतीशा पतिरना की गेंद पे बिल्कुल बिखर से गए, कोई आंसर नहीं था इस गेंद का और यहाँ पे बोल्ड आउट हो गए रोमरियो शेफर्ड 157 6 विकेट के नुकसान पे। और किसी भी विकेट पे अगर आप 200 प्लस रन कर देते हो, आप विकेट कितना भी अच्छा बल्लेबाजी के अनुकूल हो, कितना भी ड्यू फैक्टर हो जाए, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था कि अगर आपको टीम को चौक करना है, अगर आपको टीम को बैकफुट पे धकेलना है, तो आपको 200 प्लस का वो टारगेट देना पड़ेगा, क्योंकि 200 प्लस का जो टारगेट होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। जैसे ही 200 पार करता है वहाँ पे दिमाग में आने लगता है कि 10 रन पर ओवर हमको यहाँ से रन चेस करना है। अगर आप 200 से कम बनाते हो तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 200 से कम आसानी से चेस किया जा सकता है, क्योंकि दिमाग में आता है सिर्फ 9 रन पर ओवर हमें बनाना है। तो वहाँ पे आप साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं डेवलप कर पाते हो। जैसे ही यहाँ पे 10.5 रन पर ओवर का इनको रिक्वायर्ड रन रेट मिला, ये मुंबई इंडियन वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में पड़ गई। और पिछले मैच में RCB ने 96 रन बनाया था और उस रन को उन्होंने बहुत ही आसानी से चेस कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर वो साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं था, आप कुछ पार्टनरशिप बिल्डअप हो गए थे, उसी की वजह से इन्होंने 196 रनों को आसानी से चेस कर लिया था। अब मतीशा पतिरना के सामने है मोहम्मद नबी। पहली बार मतीशा पतिरना का सामना करेंगे। सिंगल से इन्होंने खाता खोला। स्कोर हो गया 158 6 विकेट के नुकसान पे 14 गेंदों पे 49 रनों की आवश्यकता है। रोहित शर्मा 86 रन बना के खेल रहे 55 गेंदों पे और अपने शतक से 14 रनों की दूरी पे रोहित शर्मा। और यहाँ पे मोहम्मद नबी एक लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बल्लेबाज है, इनके बाद रिकॉग्नाइज्ड बल्लेबाजों की लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद बॉलर आने शुरू हो जाएंगे। मतीशा पतिरना ने 2.4 ओवर में 15 रन देके 4 विकेट लिए हैं और यहाँ से 158 रन 6 विकेट के नुकसान पे 17.5 ओवर की समाप्ति ली। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे हैं और यहाँ पे रोहित शर्मा इकलौते अकेले लगे हुए हैं टीम को जीत दिलाने के लिए। अब देखना होगा यहाँ से ये टीम के लिए कितना कुछ कर पाते हैं, क्योंकि टीम इन पे बहुत डिपेंडेंट है और यहाँ से इनको अपना हिट अवतार लेना पड़ेगा। और क्योंकि 13 गेंदों पे 49 रनों की आवश्यकता है और आखिरी गेंद पे स्ट्राइक अपने पास रखेंगे 159 रन 159 रन 6 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर की समाप्ति। 2 रन के लिए पलट गए थे, 2 रन मिल जाएंगे 160 59 रन हो गए 60 रन हो गया 6 विकेट के नुकसान पे।
12 गेंदों पे 47 रनों की आवश्यकता है और 23.50 पर ओवर बनाने हैं। तो यहाँ से हर गेंद पे इनको यहाँ से हर गेंद पे 4 रन लगाने होंगे अगर मैच जीतना है तो। हर गेंद पे चौका चाहिए अगर मैच को अगर आप डीप भी ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको हर गेंद पे चौके लगाने पड़ेंगे तभी आप मैच जीत पाएंगे। और अब 19वां ओवर लेके आ गए मुस्तफिजुर रहमान और यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान ने भी एक विकेट मिला लेकिन महंगे साबित हुए, 3 ओवर 42 रन 1 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान के सामने होंगे मोहम्मद नबी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आएंगे मोहम्मद नबी के लिए। मोहम्मद नबी अभी अभी आए हैं, अब देखना होगा मोहम्मद नबी कितना मुंबई इंडियन के लिए कितना अपना रोल प्ले कर पाते हैं। इन पर मुंबई इंडियन ने काफ़ी भरोसा किया है, इनसे बॉलिंग की शुरुआत करवाई है, बैटिंग में इनको एक जिम्मेदारी फिनिशर का दिया है। अंतिम के कुछ गेंदों पे तेज तर्रार रन बनाने के लिए मुस्तफिजुर रहमान चले हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट राइट हैंड बैट्समैन मोहम्मद नबी के लिए। मोहम्मद नबी ने गेंद को खेला, गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में रही, 1 रन 161 6 विकेट के नुकसान पर 18.1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है 46 रन बनाने। रोहित शर्मा के पास स्ट्राइक आ गया है। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे होंगे और बॉलिंग पे हैं मुस्तफिजुर रहमान, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। रोहित शर्मा 88 पे खेल रहे हैं, 12 रन से अपने शतक से 12 रन से 12 रन की दूरी पे खड़े हैं और ये वाइड गेंद। 88 रनों में इन्होंने 9 चौके 4 छक्के लगाए हैं। मुस्तफिजुर रहमान का ये चौथा ओवर चलता हुआ टीम का 19वां ओवर और यहाँ से देखना होगा कि ये प्रेशर में आते हैं, प्रेशर में निखरते हैं या प्रेशर में बिखरते हैं। यहाँ से CSK की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई है, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर। और एक बार फिर से मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा ने गेंद को खेला, 1 रन मिल जाएंगे 163 रन 6 विकेट के नुकसान पे। मुंबई इंडियन यहां से जीत के बिल्कुल करीब, जीत से बहुत दूर है, 40 रनों की आवश्यकता है, 10 गेंदें बची हुई है, 44 रनों की आवश्यकता है, 10 गेंदें बची हुई है। और यहां से देखना होगा कि ये कॉट कैच का चांस था लेकिन वहां पे कैच छूटा सरदूल ठाकुर से। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट मोहम्मद नबी, मोहम्मद नबी स्ट्राइक पे हैं। मोहम्मद नबी क्या यहाँ पे बड़े शॉट के लिए जाएंगे, सिंगल से काम नहीं चलेगा दोस्त। यहाँ पे सिंगल के साथ इन्होंने रोहित शर्मा को स्ट्राइक दिया, स्कोर हो गया 164 6 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे कैच का चांस था शार्दुल ठाकुर के पास लेकिन शार्दुल ठाकुर फिसल गए, कैच आया नहीं हाथ में, 164 6 विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद नबी 2 पे, रोहित शर्मा 89 रनों पर खेल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान 303 ओवर में 46 रन देके 1 विकेट लिया है। तो मुंबई इंडियन 164 रन 6 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और चेन्नई सुपर किंग्स ने 206 रन बनाए थे, 43 रनों की आवश्यकता है, 9 गेंदें बची हुई। एक और सिंगल मिल गया 165 6 विकेट के नुकसान पर 18.4 ओवर की समाप्ति के बाद। मुस्तफिजुर रहमान का ये चौथे ओवर की स्पेल का चौथा गेंद आ चुका है और यहाँ पर रोहित शर्मा 90 रनों पर पहुँच चुके हैं। रोहित शर्मा 90 रन 59 गेंदों का सामना करके और यहाँ पर रोहित शर्मा अपने शतक से 10 रनों की दूरी पर खड़े हैं। अब देखना होगा कि इनका शतक कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है। मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट मोहम्मद नबी के लिए। मोहम्मद नबी 5वीं गेंद खेलने के लिए तैयार, सिंगल से काम नहीं चलेगा और यहाँ पे स्थिति और भी ख़राब। रोहित शर्मा 90, मोहम्मद नबी 3। मोहम्मद नबी यहाँ पे बड़े स्ट्रोक नहीं खेल पा रहे हैं, रोहित शर्मा भी बड़े स्ट्रोक नहीं खेल पा रहे हैं। 166 रन 6 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर की समाप्ति के बाद। मोहम्मद नबी 3 रनों पे पहुंच गए और रोहित शर्मा 90 रनों पे खेल रहे हैं।
एक बार फिर से रोहित शर्मा तैयार 90 रनों पर। मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आर यू वाइड गेंद 67/6 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो यहां से 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 40 रनों की आवश्यकता है और स्ट्राइक रोहित शर्मा के पास है। अभी 90 रन बना चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट राइट हैंड बैट्समैन के लिए वाइड गेंद। इस वाइड के साथ स्कोर हो गया 67/6 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर की समाप्ति के बाद। और यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान एक बार फिर से तैयार 3.5 ओवर में 49 रन देके 1 विकेट लिया है मुस्तफिजुर रहमान। स्ट्राइक पे और अगली गेंद, गेंद को खेल बैठे और गेंद को डिपार्ट किया है रोहित शर्मा ने 6 रनों के लिए। स्कोर कर दिया 173 6 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति। रोहित शर्मा 96 रनों पर पहुंच गए। मोहम्मद नबी 3 रनों पर खेल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर में 55 रन देके 1 विकेट 13 रन आए पिछले ओवर से। और यहाँ पे 7 रनों का अंतर है मुंबई इंडियंस के। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19वें ओवर की समाप्ति पे 180 बनाए थे, मुंबई इंडियंस ने 173 बनाए हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये 7 रनों के अंतर के वजह से हारेंगे या यहाँ पे और बड़ी हार हो सकती है। मतीशा पतिरना अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं मतीशा पतिरना, और जिस तरीके से इनका स्पेल चला है उसको देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट राइट हैंड बैट्समैन किन मोहम्मद नबी के लिए, और डॉट गेंद के साथ इन्होंने शुरुआत करी है। मोहम्मद नबी ने इस गेंद को खेलना चाहा लेकिन गेंद हर बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और मोहम्मद नबी 3 रन। और मतीशा पतिरना ने अपने स्पेल की बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत कर दी है। और यहाँ पे ये ऑफ स्टंप पे गेंद थी, ये गेंद को हवा में खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। स्कोर 173 6 विकेट के नुकसान पे। मतीशा पतिरना एक बार फिर से मोहम्मद नबी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। मोहम्मद नबी तैयार, क्या मोहम्मद नबी इस गेंद को भी हवा में खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया। अब बाई के तौर पर 1 रन आ गए। स्कोर हो गया 176 74 6 विकेट के नुकसान पर 9.2 ओवर की समाप्ति के बाद। मतीशा पतिरना अपने स्पेल में चौथे ओवर की स्पेल में तीसरी गेंद लेके, और ये यहाँ पे गेंद यॉर्कर आने की कोशिश थी, महेंद्र सिंह धोनी भी बीट हुए। स्कोर हो गया 174 6 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा अपने शतक से 4 रनों की दूरी पे खड़े हैं। हम मतीशा पतिरना चले राइट आर्म ओवर द विकेट रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा यहाँ पे, और रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा कर लिया और रोहित शर्मा ने यहाँ पे चौके के साथ अपने स्टाइल में शतक को कंप्लीट किया। और रोहित शर्मा आईपीएल में आईपीएल 24 में ये इनके बल्ले से निकला हुआ पहला शतकीय पारी। और इन्होंने ये कवर ड्राइव किया था, कवर बाउंड्री के बाहर गई गेंद 4 रनों के लिए। रोहित शर्मा का 2024 का पहला शतक। और यहाँ पे रोहित शर्मा ने अपनी शतकीय पारी खेली 61 गेंदों पे 100 रन। ये आईपीएल हिस्ट्री का 8वां शतक है। 74 अर्धशतक लगा चुके हैं ये आईपीएल में। और ये गजब के बल्लेबाज, अगली गेंद, गेंद को फिर से डिपार्ट किया है 4 रनों के लिए। स्कोर कर दिया 182 6 विकेट के नुकसान पे। रोहित शर्मा 104 रन 62 गेंदों पे, और मतीशा पतिरना के इन 2 गेंदों पे 8 रन आ चुके हैं। और रोहित शर्मा अपने अलग ही जोन में दिख रहे हैं। ये गेंद बिल्कुल यर्क कराने की कोशिश थी लेकिन इन्होंने इसको फाइन लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। मतीशा पतिरना एक बार फिर से तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट, और सामने है रोहित शर्मा 104 रन बना चुके हैं 62 गेंदों पे। रोहित शर्मा तैयार और मतीशा पतिरना राइट आर्म ओवर द विकेट लेके चले और ये वाइड गेंद 183 6 विकेट के नुकसान पे 24 रनों की आवश्यकता है। और वाइड प्लस 1 2 रन आ गए 184 6 विकेट के नुकसान पे, और 23 रनों की आवश्यकता, 2 गेंदें बची हुई है मतीशा पतिरना के इस ओवर में। अभी तक 11 रन आ चुके हैं। और यहाँ पे धोनी से गेंद मिस हुआ, 2 रन आ गए। और मोहम्मद नबी स्ट्राइक पे हैं,
तीन रन बना के खेल रहे हैं, छः गेंदों का सामना किया है मोहम्मद नबी। और यहाँ पर मतीशा पतेरना 304 ओवर में 26 रन देके 4 विकेट लिया है। राइट आर्म ओवर द विकेट आएंगे राइट हैंड बैट्समैन मोहम्मद नबी के लिए। मोहम्मद नबी तैयार, क्या मोहम्मद नबी इस गेंद को घुमाएंगे? सिंगल, और इस सिंगल से काम नहीं चलेगा। 185 6 विकेट के नुकसान पे 19.5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और मुंबई इंडियन 19.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 185 6 विकेट के नुकसान पे है। यहाँ से 22 रनों की आवश्यकता, एक गेंदें बची हुई है और ये फॉर्मेटी की गेंद है। मतीशा पतेरना चेन्नई सुपर किंग्स ने ये मैच मुंबई के होम ग्राउंड का मैच जीत लिया है और मतीशा पतेरना की तारीफ करनी पड़ेगी। 4 विकेट निकाले इन्होंने और ये ओवर थोड़ा सा महंगा चला गया 12 रन का। कल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइजर हैदराबाद के बीच का मुकाबला, कल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है। मतीशा पतेरना चले राइट आर्म ओवर द विकेट राइट हैंड बैट्समैन रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा और ये सिंगल के साथ मैच हुआ खत्म। 185 86 रन 6 विकेट के नुकसान पे सीएसके ने 20 रनों से ये मैच जीत लिया। अब मतीशा पतेरना 4 ओवर 28 रन 4 विकेट, रोहित शर्मा 105 रन बना के नॉट आउट रहे, मोहम्मद नबी 4 रन बना के नॉट आउट रहे और टीम ने 4 विकेट मुंबई इंडियन 20 रनों से ये मैच हार गई। मतीशा पतेरना की तारीफ करनी होगी, इन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी और इनकी गेंदबाजी के बदौलत टीम ने ये मैच जीता और ये मैच जीत के सीएसके आगे बढ़ गई। अब सीएसके के पास हो गए 8 पॉइंट और यहाँ से अब देखना होगा कि मुंबई इंडियन जो जीत के घोड़े पर सवार थी, अपने होम लेग का मैच इन्होंने खेल लिया है। अब ये होम लेग से निकल के अब दूसरे के ग्राउंड पे खेलने के लिए जाएंगे। अब देखना होगा कि ये किस स्ट्रेटजी के साथ आगे खेलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था इनके लिए होम लेग का मैच जीतना। अब ये होम ग्राउंड का मैच अब इनके लिए ख़त्म हो गया मुंबई इंडियन का। मुंबई इंडियन जो जीत के घोड़े पर सवार थी, अचानक से जीत का घोड़ा का लगाम चेन्नई सुपर किंग्स ने रोक दिया है। ये जो 20 रन से हार जीती है, ये 20 रन धोनी के बनाए हुए थे, धोनी ने जो 20 रन बनाए थे और वही 20 रन ये हार जीत का फासला बन गई। तो वो 20 रन हार जीत का फासला बन गया और यहाँ पे मुंबई इंडियन ये 20 रनों से हार गई। अगर वो 20 रन नहीं दिए होते तो ये मैच शायद मुंबई इंडियन जीत जाती। अब देखना होगा कि, और इस जीत के बाद सीएसके नंबर 3 पे बरकरार, 6 मैच 4 जीत 8 पॉइंट प्लस में इनका नेट रन रेट है और मुंबई 8वें नंबर पे खिसक गई है। इनका नेट रन रेट -0.23 का है। मैच समरी की बात कर लें, मैच समरी की बात करें तो यहाँ से टॉस जीता मुंबई इंडियन ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया चेन्नई को। ऋतुराज गायकवाड़ के 69, शिवम दुबे के 66, रचिन रविंद्रा के 21 रनों के बदल टीम ने 206 रन बनाए चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट के नुकसान पे। हार्दिक पांड्या ने 43 रन देकर 2 विकेट लिया। श्रेयस गोपाल ने 9 रन देके 1, विराट कोहली ने 35 रन देके 1, रोहित शर्मा के 105, तिलक वर्मा के 31, ईशान किशन के 23 रन के बदौलत 186 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। मतीशा पतेरना ने 28 रन देके 4 विकेट लिया। तुषार देश पांडे ने 29 रन देके 1 विकेट और मुस्तफिजुर रहमान ने 55 रन देके 1 विकेट लिया। तो इसी के साथ हमारा आज का लाइव स्ट्रीमिंग यहीं पर समाप्त होता है। चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच जीत गई और हमारा लाइव स्ट्रीमिंग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक और महत्वपूर्ण मैच के साथ। कल आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद के बीच में मैच होने वाला है, तो कल एक और लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जुड़ते हैं।
तब तक के लिए इजाजत दें, गुड नाइट, शबाकर, शुभ रात्रि।